आपकी बार पे से सैमसंग गैलेक्सी नई नवेली दुल्हन चिकनी चमेली जो कि बहुत ही पुरानी सैमसंग गैलेक्सी A31 इसमें कैमरा का क्या कहना। इसमें कैमरे की एकदम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दी हुई है जो कि है 48 मेगापिक्सल और वो भी क्वाड कैमरा है जिसमें 8 और 2 5 मेगापिक्सल के है जिसमें एक माइक्रो और एक वाइड कैमरा भी है जो कि बहुत ही छोटे छोटे एकदम देख सकते हैं और वाइड एंगल जो कि 5 मेगापिक्सल बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं। फ्रंट एकदम जो कि 20 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है जो कि एकदम फोटो को बहुत ही सुंदर दिखा सकता है। इसमें कैपेसिटी बैटरी बैकअप की 5000 mAh की दी हुई है जो कि इस मोबाइल के लिए बहुत ही ज्यादा है। सीपीयू प्रोसेसर जो कि मीडियाटेक हेलियो P65 ऑक्टाकोर के साथ दिया हुआ है दोस्तों जो कि 5000 mAh बैटरी बैकअप के लिए बहुत ही ज्यादा है। इस मोबाइल के बैक साइड के कलर्स एकदम बहुत ही हसीन रंगीन देखने को आपको मिलेंगे क्योंकि इसमें प्रिज्म कलर्स व्हाइट और ब्लू दिया हुआ है जिसमें आप बैक साइड अगर टेढ़े मेढ़े करेंगे तो इसमें सातों के सातों कलर दिखेंगे जो कि सूरज से आने वाली इंफ्रारेड किरणें जो कि 7 कलर की रहती हैं उन सब को आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें जगह जो कि मोबाइल का स्टोरेज जिसे बोल सकते हैं 4, 64, 128 पर 2021 के युग में तो ये आम बात हो गई। अब इसमें देखते हैं OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉइड 10 दिया हुआ है जो कि मैं तो खास नहीं बोल सकते पर है बहुत ही बढ़िया। इसमें डिस्प्ले एकदम इसमें क्या कहना क्योंकि डिस्प्ले तो एकदम बहुत ही हाई फाई है पर यार जितना ज्यादा हाई फाई उतना ज्यादा खर्चीला भी है। ये डिस्प्ले 6.4 इंच यानी कि 16.26 सेंटीमीटर का डिस्प्ले है जिसमें एमोल डिस्प्ले एकदम अटैच है मतलब कि आपके डिस्प्ले के अंदर में छोटे 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 एलईडी टाइप के लगे हुए रहते हैं जिसमें हर तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक रहते हैं पर इसमें एलसीडी डिस्प्ले में वैसा नहीं रहता है। एलसीडी डिस्प्ले सस्ता रहता है और ये एमोल डिस्प्ले महंगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए यह मोबाइल थोड़ा बहुत ही महंगा है। यह मोबाइल जो कि एकदम एमोल डिस्प्ले एकदम बहुत ही ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि खर्चे लगता है एक बार खराब हो जाने पे थोड़ा आपके जेब खर्चे करवा सकता है या दोस्तों, पर ये खराब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं और कड़ी धूप में भी बहुत ही बढ़िया टक्कर देने वाला है या डिस्प्ले और नाइट में तो एकदम बहुत ही ज्यादा या ब्राइटनेस के साथ साथ आपके मोबाइल के हर एक हिस्से को ख्याल रखता है। अगर आपके एक भी LED खराब होता है तो आपके मोबाइल के थोड़े से कहीं भी कोने में धुंधलापन सा आपको थोड़ा लगने लगता है। और इसमें सेंसर की बात करें तो इसमें सेंसर जो कि हर एक मोबाइल में हमेशा बैक साइड दिया हुआ रहता है सेंसर जो कि इसमें है डिस्प्ले में ज़्यादातर रेडमी के मोबाइल में देखा जाता है डिस्प्ले में देता पर सैमसंग गैलेक्सी में जो कि इसमें दिया हुआ डिस्प्ले में और डिस्प्ले में एकदम आप उंगली दबाइए आपकी पहचान करके तुरंत ही देर नहीं करेगा जस्ट सेकेंड आप दबाएं तुरंत ओपन हो जाएगा यह मोबाइल का स्क्रीन लॉक दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा हाई फाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।